यारे बच्चों आज की जो स्माइल वर्कशीट आई है कक्षा ग्यारह की है दिनांक पच्चीस अगस्त की वर्कशीट आई है बच्चों और सब्जेक्ट है अंग्रेज़ी चैप्टर है क्लोज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों ताकि आपको वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे होमवर्क के तो पहला प्रश्न है बच्चों डिफ़ाइन एडवर्ब क्लोज एडवर्ब क्लोज की परिभाषा बतानी है बच्चों एडवर्ब क्लोज़ को डिफाइन करना है तो पहले प्रश्न का आंसर बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है आप देख सकते हो तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर है एन एडवर्कोज इज़ वन विच और एडवर्ब इन समर क्लोज एंड क्लोज इज डिपेंड डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब यानी कि एडवर्ब क्लोज जो होता है वो एडवर्ब का कार्य करता है और वो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब जो अदर दूसरे क्लोज हैं इनमें वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब है इनको क्वालिफाई करता है इनको मॉडिफाई करता है और एडवर्बियल क्लोज क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लोज होता है एक प्रकार से जो कि एडवर्ब का काम करता है बच्चों दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्ब क्लोजेज राइट नेम्स आल्सो एडवर्ब क्लोज के फंक्शन क्या है तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हो दूसरे प्रश्न का उत्तर An adverb clause is a group of words that functions as an adverb in a sentence. The clause can modify or describe verbs, adverbs, and adjectives. In general, adverb clauses add information that elaborates on when, where, why, how, how much, or under what condition the action in the uh, sentence takes place. ये फंक्शन बताया गया है बच्चों इसके नेम भी लिखने हैं तो नेम्स जो है वो है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर फंक्शंस ऑफ एडवर्ब क्लोजेस तो इसमें है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर ऑफ यहाँ ऑफ नहीं लिखा बच्चों ऑफ लिख देनाज रीजन एडवर्ब क्लोज ऑफ परपज Adverb clause of result consequence, adverb clause of supposition concession, तो बच्चों ये सभी हैं function of adverb clauses हैं। इसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न है, what are the connectors of the adverb clause of condition? Connectors कौन से हैं? तो बच्चों connectors जो हैं वो आपके सामने screen पर आप देख सकते हो connectors of adverb clause of conditions। तो इसके connectors हैं, ये आपके सामने screen पर है, ये सभी connector हैं। तो बच्चों कनेक्टर देखेंगे इफ या अनलेस वेदर प्रोवाइडेड सो लॉन्ग इज ऑन कंडीशन दैट इवन इफ इवन दो वेदर और इफोर्ड तो ये सभी क्या है बच्चों कनेक्टर्स हैं इसके बाद में प्रश्न संख्या चार चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है फिल इन द ब्लैंक विद देन और दीज इनमें से बच्चों आपको रिक्त स्थान भरना है आई कैन टीच इंग्लिश बेटर सोशल साइंस तो बच्चों बेटर शब्द आया है तुलना करने के लिए कंपैरिजन के लिए तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ डिग्री या कंपैरिजन है तो कंपैरिजन करने के लिए हम आप प्रयोग करेंगे देन का तो इस रिक्त स्थान में बच्चों आ जाएगा देन टी एच एन तो बच्चों इसमें आएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ देन इसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या पाँच एड विथ सो दैट सच दैट तो इसमें बच्चों आएगा शी इज़ इंटेलिजेंट एवरीबडी अप्रिशिएट हर तो इसमें बच्चों आ जाएगा जो सो so दैट इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चों पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा सो so, और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा बच्चों दैट पहले रिक्त स्थान में आएगा बच्चों सो so, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा बच्चों दैट इस तरह से आपके पाँचों सवाल हल हुए धन्यवाद